नाच देते हैं घर पे बैठ के, थोड़ा सा करछी घुमा घुमा के चले, देखिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही कुछ कहते हैं, अच्छी बात है पैसा आ रहा है। और ये बात कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, ये हमने इससे पहले भी सुना, जब इलेक्शन आते थे हमारे दादा ने भी कभी ये नहीं कहा है, उनके मुंह से भी यही सुना था महंगाई बहुत है, जब आठ आने किलो का घी हुआ करता था, महंगाई कभी कम नहीं हुई है हमेशा। ये सब बकवास की बात है। आपने कहा ना कि हम एक पैंडेमिक के दौर से पूरा वर्ल्ड गुजरा है, हमारा भारत भी गुजरा है, 130 करोड़ लोगों की आबादी का हमारा देश है ये, पैंडेमिक में हमने कितने न जाने कितने लोगों को खोया है। अरे पैसा का नुकसान हो गया है, काम नहीं है जी, पैसे नहीं है, काम नहीं है, पैसे नहीं है, पता नहीं क्या, लेकिन उसके बाद भी कार की सेल्स और दूसरी चीज़ों की सेल्स, क्या आप ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बता पाएंगे, काफ़ी अच्छा 35% कारें ज़्यादा बिकी हैं कोरोना के टाइम पे। तो ये सब इलेक्शन के स्टंट्स होते हैं जो चलते रहते हैं, इनमें वो मत कीजिए। पैसा आए सब हिंदुस्तान में, बहुत पैसा, एक एक झोपड़े से कम कुछ नहीं आधा आधा किलो सोना निकलेगा। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, सबके सब बहुत मजे हुए कलाकार हैं, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, खुद ही कर लेते थे सब मेहनत, और बहुत मज़ा आया। मेहनत तो की है, मेहनत बहुत की है, मेहनत की है सबने, ऑर्गेनाइजेशन पूरा बोलते हैं ना 150 लोगों का खून पसीना जलता है दिन भर एक शूटिंग करने के लिए, सबकी अपनी अपनी मेहनत है, चाहे कोई लाइट पकड़े है, चाहे कोई पानी पिला रहा है, और चाहे कोई लाइट के सामने खड़ा है। दिन के टाइम पे भिंडी बाजार में शूट करना मजाक समझ रखा है, ये किसी पब्लिक प्लेस पे जहाँ क्राउड के प्लेस के ऊपर इन्होंने शूट किया है। और एक लाफ राइट एंटरटेनिंग फिल्म बनाने की कोशिश की, और सबको अच्छा लगे, एक कॉमेडी ऑफ एरर, एक अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग देखेंगे तो लोगों को एक अलग तरीके की एक क्राफ्ट दिखेगा फिल्म का, कि एक कॉमेडी ऑफ एरर है तो वो तो उस पर 50 फिल्म बनी है, नॉन स्टॉप धमाल एक अपनी खूबसूरती लेके आप लोगों के सामने आ रही है, अब सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है और आशीर्वाद दीजिए। अगर सर आप लोग सामने में आपसे जाना चाहूँगा कि अक्सर इस शहर मुंबई शहर पर रोज एक नया इंसान काफी लोग यहाँ पर आते हैं कि उसे बिना के स्टार किया एक सपना लेकर यहाँ पर आता है, सिंगर डांसर एक्टर बनने का सपना लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं अपने वो रास्ते पर सफल नहीं हो पाते, तो मैं आप लोग जाकर आप लोगों के तजुर्बे बहुत घटे जा रहे हैं कि क्या कहूँ उस बारे में, क्या कहना चाहिए युवा पीढ़ी के बारे में यहाँ पर रोज नए सपने लेकर आते हैं। नहीं देखिए, सपने तो लेकर ही चलना चाहिए, अगर सपना ही नहीं है तो फिर चलोगे क्या लेकर, लेकिन सपने दो तरीके के हैं, सपने देखना बंद आँखों से कि खुली आँखों से, अगर खुली आँखों से सपना देखना है तो मैंने एक लाइन पढ़ी है, हमारे एक मित्र हैं सैयद अब्बास जी, उन्होंने हमें सुनाई थी, वो हमें याद रह गई, कि असफलता के कारण होते हैं और सफलता के नियम होते हैं, तो अगर सफलता पाना है तो उसके लिए फिर आपको नियम कुछ फॉलो ही करने पड़ेंगे, और असफलता के कारण बहुत हैं मुझे मालूम है कि, लेकिन उसी में से बोलते हैं ना कि अगर हार से डर गए तो फिर जीत का कोई मज़ा भी नहीं है, तो जहाँ पे हार लगती है वहाँ पे कुछ सीख समझ के अगर कुछ आगे बढ़ोगे लेके, तो सपने फेल हुए हैं या सपने ऐसा नहीं है, सपने इतने पास हुए हैं, सपने ही पास हुए हैं, उन्होंने दुनिया को प्रेरणा दी है कि अगर सच्चा और अच्छा और करेक्ट सपना है तो सपना कभी भी फेल हो ही नहीं सकता। सर सपने देखने के लिए आप फ्री हैं, आज़ाद हैं, आपको सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता है, आपके सपने कितने साकार हो पाते हैं, और जाहिर है कि सफलता प्रधान समाज के अंदर क्या है, आपके टैलेंट को भी सफलता के आधार के ऊपर नापा जाता है,
इसलिए सपने अपने छोड़ो, सफल होना सीखो। अगर आप एज एन एक्टर सफल नहीं हो पाए तो एज ए डायरेक्टर सफल हो जाओ। अब तो स्कोप बहुत ज़्यादा हो गए, अब तो आप यूट्यूबर ब्लॉगर बन के भी सफल हो सकते हो, यूट्यूब के ऊपर भी तो अभी स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सफलता का। आड़े टेढ़े काम करके भी सफल हो सकते हो, आप समझे ना। सो अगर आप आए हैं, आप सपने लेके आए हैं, तो हौसला रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपके सपने पूरे हो जाएं, समझे। और अगर सपने पूरे नहीं हुए तो ऐसा मत करना, वापस लौट जाना, क्योंकि आप हिंदुओं के अंदर एक दृश्य है कि कृष्ण को भी रणछोड़ दास बोलते हैं। हाँ, कृष्ण के जीवन से बहुत बड़ा सबक है। उनको लगा कि इस वक्त अभी सामने शत्रु जो है वो प्रबल है, इसलिए भाग लो और सही टाइम के ऊपर स्ट्राइक करके शत्रु का विध्वंस कर दिया। इसलिए पीछे हटना, कब फौज को पीछे हटना है और कब आक्रमण करना है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि आंखें खुले हो के सपने देख रहे, आंखें बंद करके देख रहे हो, होश के साथ सपने देखना, अपनी वस्तु स्थिति को समझ के, दीवानों की तरह नहीं। मुझे मालूम है कि बात से बात निकली है, इसलिए मैं मीडिया के सामने बहुत बहुत हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एक व्यक्ति हमारी इंडस्ट्री का, भाई नितिन देसाई चले गए, क्योंकि सपने बहुत बड़े बड़े देख रहे थे वो, ऐसा सुनने में आया।